अलायंस डेंजर, नेटो से युद्ध भयंकर। तो ये किस अलायंस डेंजर की हम बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने है, जहां पर रूस बेलारूस ने बढ़ाई है पश्चिमी देशों की टेंशन। कैसे? बेलारूस विश्वस्तीय भागीदार है और रहेगा, ये सर्गे शोइगु की तरफ से कहा गया है। वेस्ट के दबाव के बीच रिश्तों का विशेष महत्व है, ये सर्गे शोइगु की तरफ से कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर भी है। तो कहां पर ये दो जो एलाइज हैं बेलारूस और रशिया, इन दोनों की दोस्ती ने पश्चिमी देशों की टेंशन जो है वो लगातार बढ़ाई हुई है, और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भी आपके सामने है, जहां पर बेलारूस विश्वस्तीय भागीदार है और रहेगा, सर्गे शोइगु की तरफ से साफ कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की वेस्ट को बड़ी वार्निंग भी सामने आई है। वेस्ट के युद्ध जारी रखने तक स्पेशल ऑपरेशन, ये लुकाशेंको की तरफ से कहा गया है। वेस्ट युद्ध जारी रखने के तरीके सोच रहा है लुकाशेंको की तरफ। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये भी कहा गया है कि युद्ध ये जारी रहे, इसके तरीके पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार सोचे जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को बेलारूस से बड़े हमले का खतरा लगातार सता रहा है। बेलारूस में रूसी सेना की तैनाती बढ़ रही है। हम हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी भी एक्शन का जवाब देने को हम तैयार हैं, यूक्रेन के ज्वाइंट फोर्स कमांडर की तरफ से ये बयान दिया गया। तो आपको बता दें, रूस बेलारूस बॉर्डर पर कुछ बड़ी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है, और इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि कोई बड़ी प्लानिंग भी देखने को मिल रही है, और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है, और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम एक एक कर रिएक्शंस भी लेंगे। लेकिन इस बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है, जो इन्फॉर्मेशन वॉल पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये जो अलायंस है वो किस तरीके से बाकी पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा रहा है, ये देखिए। वेस्ट के दबाव के बीच रिश्तों का विशेष महत्व है, सर्गे शोइगु की तरफ से साफ कहा गया है, और दबाव देकर कहा गया है वेस्ट के युद्ध जारी रखने तक स्पेशल ऑपरेशन। ये लुकाशेंको जो बेलारूस के राष्ट्रपति, उनकी तरफ से कहा गया है। बेलारूस में 12,000 रूसी सैनिक पहले से ही तैनात है, यानी ये भी इनकी तरफ से कहा गया है, ताकि दबाव बनाया जा सके पश्चिमी देशों पर। तो यानी कुल मिलाकर और कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बेलारूस में 12,000 रूसी सैनिक पहले से तैनात है, ये लुकाशेंको की तरफ से कहा गया। बेलारूस में दिखे थे किंजल मिसाइल से लैस MiG-31K, और साथ ही साथ बेलारूसी बॉर्डर पर तैनात 15 टोर M2 रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कुल मिलाकर किस तरीके की तैयारियां हैं इन दोनों ही देशों की, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। बेलारूस से ही लुहांस की ओर भेजे गए थे टैंक भी, यानी डिप्लॉयमेंट यहां पर बॉर्डर पर पहले से ही है। बेलारूस से ही यूक्रेन पर हुए कई बार हमले भी, तो ऐसे में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए दोनों ही देश लगातार इस तरीके से अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं। बेलारूस से ही पोलैंड पर लगातार दबाव बनाने की भी कोशिश जारी रहती है इन दोनों ही देशों की। तो रूस बेलारूस ने नेटो की भी टेंशन लगातार बढ़ाई हुई है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे, अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।